तो हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरे इन जावा। एरे की कॉन्सेप्ट को जानेंगे विद लोअर लेवल से अपर लेवल तक। मैं आपको बताऊंगा एरे में कि कैसे इंटरव्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और कैसे एज ए प्रोग्रामर लिहाज से इम्पोर्टेंट है और कैसे कंपाइलर के साथ इसकी वर्क होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा ईच एंड एवरीथिंग विद प्रैक्टिकल। इसमें हम थ्योरिकल कवर करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट काफ़ी है। ओके, तो पहले एरे क्या होता है ये जानते हैं। एन एरे इज ए डाटा स्ट्रक्चर। एरे क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर होता है विच इज़ यूज टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम या लार्ज अमाउंट ऑफ होमोजीनियस। बेसिकली होमोजीनियस का मतलब क्या, होमोजीनियस मीन्स डाटा ऑफ द सेम टाइप। इट मीन्स क्या हुआ, अगर आप इंटीजर टाइप अगर बहुत सारे आपको डाटा है ना तो उस समय आप इसको एरे को यूज़ करें, अगर कैरेक्टर टाइप भी बहुत सारे डाटा है तो उस समय आप एरे को यूज़ कर सकते हैं, या आपके स्ट्रिंग टाइप के बहुत सारे डाटा है तो उस समय आप एरे को यूज कर सकते हैं। आई होप आप इस मीनिंग समझ गए कि होमोजीनियस का मतलब क्या है। एरे इज ए डाटा स्ट्रक्चर होती है कि विच इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ होमोजीनियस डाटा। अगर हम बहुत सारे होमोजीनियस डाटा है अगर आपको उसको स्टोर करना है तो आप एरे को यूज करिए। ये थी एरे की सिंपल सी डिफिनेशन, आई होप आप ये समझ पाए होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, व्हेन वी शुड यूज एरे, हमें एरे को कब यूज करना चाहिए। एरे अप्रोच कैन बी यूज टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ होमोजीनियस डाटा। जब बहुत सारे होमोजीनियस डाटा अगर हमारे पास हो, अब होमोजीनियस मतलब क्या, मान लीजिए 200,000 स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट की अगर आपको आईडी स्टोर करना है तो सिंपली उसको साइज 2000 डिफाइन करिए, उसको यूज कर सकते हैं। 2000 स्टूडेंट का नेम भी स्टोर करना है तो एरे की हेल्प से आप स्टोर कर सकते हैं वेरी इजीली। बट आप कन्वेंशनल बेस करिए तो 2000 आपको वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, अब 2000 वेरिएबल को याद भी करना पड़ेगा। ये भी मैं आपको चीज प्रैक्टिकली बताऊंगा ऐसा सिनेरियो क्रिएट करके। ओके, एरे इन जावा इज ऑब्जेक्ट, जो एरे जावा होती है वो ऑब्जेक्ट होती है। इट मीन्स अगर एरे ऑब्जेक्ट होती है तो इसकी मेमोरी कहाँ लोकेट होगी, हीप एरिया में लोकेट होगी एरे की मेमोरी अगर ऑब्जेक्ट है तो बेसिकली जो एरे होती है जावा वो ऑब्जेक्ट होती है। ओके, एरे इज एन इंडेक्स डाटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम एरे में डाटा को स्टोर कराते हैं तो बेसिकली इंडेक्सिंग के ऑर्डर से होता है कि जीरो लोकेशन पे जाएगा थ्री लोकेशन, तो इस तरह इंडेक्सिंग किया जाता है एक सिक्वेंस में, इसलिए बोलते हैं एरे इज एन इंडेक्स डाटा स्ट्रक्चर, इंडेक्स डाटा स्ट्रक्चर होती है। ओके, क्रिएशन ऑफ एरे ऑब्जेक्ट, एरे के ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। विद प्रैक्टिकल भी मैं आपको बताऊंगा कैसे एरे के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे इंडेक्सिंग वाइज स्टोर होता है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको विद प्रैक्टिकल बताऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल घबराइए मत, केवल आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ओके, ए न्यू कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट एन एरे ऑब्जेक्ट। न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम एरे के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे करते हैं आपको अपकमिंग आने वाले हम प्रैक्टिकल वीडियो में बताऊंगा आपको पूरी चीजें। द एरे रेफरेंस वेरिएबल इज यूज टू एक्सेस द इंडिविजुअल मेमोरी ब्लॉक। यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है, इसको ध्यान देखिए, एरे रेफरेंस वेरिएबल। अब एरे रेफरेंस वेरिएबल क्या होती है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले होती है। मैं आपको जब प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा वहाँ पर इसके बारे में बताऊँगा कि एरे रेफरेंस वेरिएबल कैसे होते हैं और उसके इंडिविजुअल मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि आप इंडिविजुअल एक डाटा को एक्सेस करना चाहेंगे ना तो इसको रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से आप कर सकते हैं। ये भी मैं आपको विद प्रैक्टिकल बताऊँगा, इसलिए मैं सब पॉइंट इंडिविजुअल लिखाऊँगा जिससे आपको समझ आए कि हम क्या क्या कर सकते हैं एरे की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, एरे ऑब्जेक्ट आर एलोकेटेड मेमोरी ऑन दी हीप एरिया। मतलब जो एरे की ऑब्जेक्ट होती है ना वो एलोकेट होती है मेमोरी किस एरिया में, हीप एरिया में होती है। ऑब्जेक्ट जो एलोकेटेड होती है वो हीप एरिया में होती है। जैसे मैंने बताया था कि जावा में जो एरे होती है वो ऑब्जेक्ट होती है, अगर ऑब्जेक्ट होगी तो वो कहाँ मेमोरी उसको एलोकेट होगा, हीप एरिया में ही होगा। एंड रेफरेंस टू डैट ऑब्जेक्ट इज स्टोर इन द स्टैक एरिया। अब रेफरेंस मतलब क्या है, रेफरेंस वेरिएबल, जो रेफरेंस वेरिएबल होती है वो होती है स्टैक एरिया में, कुछ इस तरह से। ये एक मान चलिए मेमोरी की हमारी पूरी साइज है और इसमें स्टैक एरिया और ये हीप एरिया है। जैसे हमने यहाँ पर इसको ले लिया इंट एफ ऑफ एरे और इक्वल न्यू, न्यू से मतलब क्या है, इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और इसका मतलब न्यू मतलब क्या, जेबीएम को बोलेगा कि भाई इसके लिए साइज क्रिएट करो जिसकी 5 साइज होनी चाहिए। जब यहाँ पर आ जाए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर जिसकी 5 साइज कर देगा, अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं एनी स्लैश कर दे इसकी वैल्यू 0 0 हो जाती है। और यहाँ पर देखिए इसको इंडेक्सिंग कर दिया गया था, मैंने इंडेक्सिंग शब्द बोला था ना, 0 से स्टार्ट होती है और उसके 1 2 3 4 5 यहाँ टोटल कितने हो गए
फोर एलिमेंट है, मतलब तुम जीरो से स्टार्ट, फोर तक गया, मतलब टोटल पांच एलिमेंट है। तो हमने बोला यहाँ पांच एलिमेंट स्टोर करना है और इस तरह से खोज गया, और इसकी एक यूनिक आईडी जनरेट कर दिया। और ये यूनिक आईडी कौन है होल्ड करता है, ये रेफरेंस वेरिएबल जो हमारा ए है, यही रेफरेंस वेरिएबल है, जो कि रेफरेंस वेरिएबल स्टैक एरिया में स्टोर होता है। विद प्रैक्टिकल में ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब करूँगा, अभी कल बस मैं थ्योरिकल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं हु क्रिएट एरे इन जावा एंड वेयर, जावा में एरे को कौन क्रिएट करता है और कहाँ पे क्रिएट करता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इट इज क्रिएटेड बाय दी जेवीएम, जेवीएम द्वारा क्रिएट होता है ऑन दी हीप सेगमेंट। हीप सेगमेंट क्यों होता है, क्योंकि एरे जो होती है ऑब्जेक्ट होती है जावा में, इसलिए वो हीप सेगमेंट में क्रिएट होती है। ओके, कैन एरे साइज बी निगेटिव वैल्यू, क्या एरे साइज की जो वैल्यू देते हैं वो निगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं। जे एरे साइज वैल्यू आप निगेटिव नहीं दे सकते हैं, बट आप जीरो रख सकते हैं उसकी साइज को। नो साइज ऑफ एरे कांट बी निगेटिव वैल्यू, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, अगर मैं जब जीरो वैल्यू देता हूँ तो हमें कंपाइलर से क्या एक्सेप्शन जनरेट होगा, मैं वो भी आपको भी प्रैक्टिकल बताऊंगा। अगर हमें जीरो वहाँ पर या मतलब निगेटिव वैल्यू दे रहा हूँ तो क्या होगा। वाट इज द यूज ऑफ लेंथ वेरिएबल इन जावा, लेंथ वेरिएबल की जावा में यूज क्या है। लेंथ इज एन इनबिल्ट वेरिएबल इन जावा, इनबिल्ट वेरिएबल मतलब ये जावा हमको खुद प्रोवाइड करवाती है, इसलिए हम उसे इनबिल्ट वेरिएबल बोलते हैं। विच इज यूज टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द एरे, ये बेसिकली एरे की साइज को कैलकुलेट करता है कि कितना उसके एरे की साइज है, इसको कैलकुलेट करता है। विद प्रैक्टिकल भी मैं आपको बताऊंगा, अगर मुझे किसी एरे की साइज पता करनी है लेंथ तो कैसे करेंगे, इस पर भी प्रैक्टिकल करेंगे। तो जितनी मैंने अभी चीज़ें बताई है इसको पूरा मेमोराइज करिए। ओके, अब प्रैक्टिकल में मैं ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय, वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का।